घाट सेवा समिति मुकुटपुर बहुत ही कम समय में एक अच्छी व्यवस्था के साथ और छठ की सेवा में उपस्थित है। मैं सेवा समिति के अध्यक्ष भाई गिरी जी, कुलेंद्र गिरी जी हमारे परम मित्र भी है और उनके तमाम साथी जो भी हमारे यहाँ उपस्थित है, मैं समय का अभाव है, मैं सभी का नाम जानता हूँ, मैं बहुत शुभेच्छा देता हूँ और बहुत ही मैं उनके आभारी हूँ कि एक पूजा को बृहद रूप देने में जो उन्होंने दिन रात मेहनत की है उसके लिए आप सभी उपस्थित है। हमारे भाई बहनों श्रद्धालु भाई बहनों से आग्रह है कि इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने प्रयास से आपके बीच में कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है। हमारे जो समाज सेवी के रूप में यहाँ पर उपस्थित मंच पर तमाम लोग हैं, हमारे साथ भाई हरीश जी भी हैं, मैं सभी की तरफ से आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और यही बताना चाहता हूं कि कोई लोग जो ये कहता है कि छठ पर्व सिर्फ बिहार और पूर्वांचल वासियों का है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने पैदा होने के छठे दिन छठी का दूध पिया है उन सभी का छठ पूजा होता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और वही छठ माता है जो खष्टी माता है दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी माता, जिनकी पूजन उस दिन होती है कि बाल बच्चे को स्वास्थ्य रखे स्वस्थ रखे। और हम लोग आज सूर्य भगवान के घर, वो सूर्य भगवान की बहन है, उनके घर आते हैं। कात्यायनी माता जो परिवार को शुक्र समृद्ध रखते हैं, हम उनकी नारा लगाते हैं जो हमारे सूर्य भगवान खुश होते हैं, उन्हीं से हमें जल मिलता है, क्योंकि जल हम समुद्र के पानी से वाष्प बन करके बादल बन के आता है, उन्हीं से हवा मिलती है, उन्हीं से हमें भोजन मिलता है। ऊर्जा का तमाम स्रोत सूर्य भगवान में निहित है। ऐसे देवताओं के पूजन में हमारे तीन दिन की बहुत ही बृहद पूजा होती है। इसमें जिसने इस बार जमुना घाट पर धोखा दिया है उसका कल्याण नहीं होगा। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि जमुना में पूजा नहीं हुआ। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, ये पूजन समझिए हम पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। हमारी माता बहन भाई तीन तीन दिन की व्रत लेके करते हैं और इसी की शुभेच्छा है। और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलिए छठी मैया की, दुर्गा मैया की, कात्यायनी माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, काली माता की और अपनी अपनी माता की।